मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला शामली उत्तर प्रदेश में एक युवक गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि शामली के कांदा कस्बे के एक गांव में व्हाट्सएप ग्रुप पर पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी पर मुस्लिम समाज के लोग काफी रोष थे। पुलिस ने मुस्लिम समाज को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कल यहाँ कस्ब समाज का एक लड़का था, कोई रवि, उसने हुजूर की शान में कोई गलत टिप्पणी कर दी थी व्हाट्सएप पर। उसके विरोध में यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए थे, उस पर NSA की मांग कर रहे थे लगाने की। SO कांदला आए थे, उन्होंने सबको आश्वासन दिया है कि उस पर NSA लगाई जाएगी। और हमारी मांग यही है, भविष्य में भी अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, वो किसी भी धर्म पर अगर अभद्र टिप्पणी करता है, उस पर भी NSA लगाई जाए। यही हम सब लोगों की मांग है। हमारा क्षेत्र हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है और हमारी अमन समाज एकता समिति इसी विषय पर काम भी कर रही है, हमारे क्षेत्र में अमन चैन बना रहे। इसलिए हम नहीं चाहते कोई भी उपद्रवी हमारे समाज में या किसी भी समाज का हो, चाहे वो के गलत टिप्पणी करे जिससे यहाँ अशांति फैले। ये दिनांक 11/1/2018 को दिन में एक रवि नाम के लड़के ने व्हाट्सएप पर अभद्र टिप्पणी एक समुदाय विशेष के प्रति कर दी थी, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। सूचना पर पुलिस ने रवि को अरेस्ट कर लिया है, उसका प्रिंट निकलवा लिया है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, उसको जेल भेजा गया। अकेला ही लोग लड़का था या और भी कोई राज के साथ? इसमें ग्रुप एडमिन या कोई और भी हो सकता है, उसकी जांच की जा रही है, वो विवेचना का विषय। अच्छा सर, क्या ग्रुप एडमिन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा? मेरे हिसाब से होना चाहिए। कपिल कुमार नाम से कोई मुकदमा हुआ है, उसमें नाम है, उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में थानाध्यक्ष OP चौधरी का कहना है कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और ग्रुप एडमिन की तलाश की जा रही है। ABN समाचार के लिए शामली से आकाश मलिक की रिपोर्ट।